पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। पाकिस्तान सरकार ने शाहब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। पहली दफा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शाहब भाई ने बताते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के, और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं, तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शाहब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शाहब चतुर को आज से 8 महीना पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब बाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है, अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शाहब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका, अब हमें ये पता कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोज़ाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान, जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में, कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से हैं, हमने तमाम चीज़ों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते, तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहाँ की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं, इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शाहब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए, पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं उनकी सरकार को भी, कहना चाहता हूं पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शाहब चतुर साहब को तुम वीज़ा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुँच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह तुज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, इज्जत व जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले।